घाट के ऊपर के चिराग नगर में हुआ रेप। पीड़ित लड़की पहुंची घाट के ऊपर पुलिस स्टेशन, लेकिन पुलिस ने नहीं की सुनवाई, उल्टा कंप्लेन लेने से किया इनकार। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। गत 28 मई शुक्रवार के दिन एक पीड़ित लड़की जो है वो अपनी दास्तान हमसे बताती है कि वो घाट के ऊपर पुलिस चौकी जाती है शिकायत दर्ज कराने, लेकिन पुलिस जो है शिकायत लेती नहीं, उन्हें उल्टा डराया धमकाया जाता है कि आप अगर कंप्लेन कराओगे तो उल्टा आप पर भी क्रॉस कंप्लेन हम लिखेंगे। दरअसल पूरा मामला इस प्रकार था, उसने हमसे बातचीत भी करी है, हम लड़की की पहचान को गुप्त रखना चाहेंगे लेकिन हम आपको जानकारी पूरी डिटेल के साथ बताना चाहेंगे, इसलिए हमने उनसे बातचीत करी है। सबसे पहला हम बता दें, जो इसमें आरोपी है समीर शेख, वो उसी लड़की को जो पीड़ित लड़की है उसको बुलाता है बहला फुसला कर कि आपके शोहर का जो है एक्सीडेंट हो गया है कल्याण में, आप मेरे साथ जल्दी चलो। और इसी बात को सुनते ही पीड़ित लड़की जो है पहले अपने हस्बैंड को कॉल करती है, हस्बैंड का फ़ोन जो है स्विच ऑफ बताता है, इसको ले करके वो काफ़ी डर जाती है और अफरा तफरी का माहौल पैदा होता है। और उसी को देखते हुए जो समीर आरोपी है वो काफ़ी भरोसा दिलाता है, क्योंकि वो उस पीड़ित लड़की के शोहर का काफ़ी अच्छा दोस्त रहता है, इसके चलते लड़की जो है मान जाती है और वो कल्याण साथ ही रवाना हो जाती है। और रास्ते में भी काफ़ी पूछताछ करने के बाद भी जो समीर है वो कुछ बताता नहीं है पीड़ित लड़की को, लेकिन पीड़ित लड़की जब कल्याण पहुंचती है उसे कुछ ड्रिंक पिलाता है आरोपी और ये कहता है कि आप जब तक पी लो फिर हम चलते हैं हॉस्पिटल। उसी ड्रिंक में वो कुछ मिलाकर आरोपी जो है उस पीड़ित लड़की को देता है और लड़की को पिलाने के बाद उसके साथ दो दिन तक बलात्कार करता है और काफ़ी अभद्र भाषा का प्रयोग करता है और ये भी कहता है कि मुझे आप अच्छी लगती थी, इसके लिए मैंने बहाने से आपको बुलाया और इस तरीके का गलत काम करने को सोचा, इसके लिए मैंने आपको बहला फुसला कर कल्याण लेके आया। हालांकि ये पूरे मामले को लेकर के जो लड़की है पीड़ित उसने हमसे सारी बातें बताई है और जब वो देखी दो दिन तक उसे अपहरण किया गया, उसकी शिकायत भी घाटकोपर पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई थी उनके पति ने, जब लड़की जब होश पूरा संभाली तो वो भागकर अपने घर घाटकोपर आई और चिराग नगर में आने के बाद अपने शोहर को बताई। उसके शोहर ने सबसे पहला काम उसे पुलिस स्टेशन ले जा कर के शिकायत दर्ज करने की कोशिश करी, लेकिन पुलिस ने मेडिकल ना होने के कारण उनका शिकायत लिया नहीं। उसके बाद जब पीड़ित वापस से पुलिस चौकी आई मेडिकल लेके आने के बाद, तो उसके बाद भी जो है उसकी शिकायत दर्ज नहीं की और पुलिस ने डराया धमकाया कि अगर समीर के खिलाफ आपको कंप्लेन करना है तो हम भी क्रॉस कंप्लेन लेंगे, आप उसके साथ गई कि वैसा वैसा, दोनों तरफ से जो है सेटलमेंट की बात कर रही थी पुलिस। आपको बता दें ये समीर का जो बैकग्राउंड रिकॉर्ड है, जो रमज़ान का महीना था उस रमज़ान के महीने से एक दो दिन पहले काफ़ी क्रिमिनल रिकॉर्ड, चोरियां करता था, मारपीट करता था, इस तरीके का रिकॉर्ड जो है घाट के ऊपर पुलिस स्टेशन में कई अन्य धाराओं के साथ जो है दर्ज किए गए, लेकिन उसके बाद भी जो उस आरोपी के खिलाफ किसी भी तरीके का कोई कंप्लेन लिखा नहीं जा रहा। आप देखते इस न्याय की अपेक्षा रखते हुए कब तक दर दर भटकती है। और साथ ही समाजवादी पार्टी के करीम अब्दुल करीम जो है वो इनकी मदद के लिए आगे आए, आप देखते हैं पूरा मामला किस प्रकार चलता है और किस तरीके से घाट के ऊपर पुलिस स्टेशन का ये जो रवैया है दिन ब दिन देखने को मिल रहा है, चाहे वो नूरजहां का केस का हो या ये केस का हो, अब देखते हैं इतने बड़े केस पर किस तरीके से जो है घाटकोपर पुलिस स्टेशन ध्यान देती है। और बता दें सीनियर पीआई जितेंद्र अगरकर की बात करें, तमाम ऐसे आरोप उन पर लगते आए, हम आला अधिकारियों से रिक्वेस्ट करेंगे कि ऐसे जो अफसर है जो कंप्लेन नहीं लिखते उल्टा कंप्लेनर पर जो है दबाव बनाते हैं कंप्लेन ना लिखने की, इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और हम मुंबई कमिश्नर हेमंत नागरले जी से भी अपील करेंगे इस घाटकोपर पुलिस स्टेशन को जो है अच्छे से देखे और जो भी ऐसे अफसर हैं उन पर कार्रवाई करें। इस हादसे के लेकर के पीड़ित जो लड़की है हम उनकी शिनाख्त नहीं बताना चाहेंगे, इनका आईडी हम गुप्त रखना चाहेंगे। बता दें किस तरीके से आपको लेके गया आरोपी और किस तरीके के जो है आप कानूनी कार्रवाई कर रहे हो? वो समीर खान जो है वो मेरे हस्बैंड का बहुत क्लोज फ्रेंड था, हम लोग के घर में आता जाता था, तो मुझे नहीं मालूम था कि वो ऐसा करेगा, मुझे भाभी भाभी बोलता था वो। तो एक जुम्मा के दिन मैं नमाज़ पढ़ के खाना खा के बैठी थी घर में, तो वो आया मुझे बोला कि भाभी तुम्हारे हस्बैंड का कल्याण में एक्सीडेंट हो गया है। तो मैंने बोली अच्छा भाई ठीक है, तो मुझे एकदम घबराहट होने लगी, तो मैं बोली मैं क्या करूँ, मैं अपनी आंटी को ना मेरी चाची को मैं फ़ोन कर नहीं पाई, उस वक्त मुझे कुछ समझना नहीं था। तो मैं बोली भाई आप कैसा जाएंगे, तो उसने बोला भाभी चलो कल्याण जाएगी। तो मुझे रास्ते भर में तो पूछते पूछते गए कि भाई आप उन कैसा जाएंगे कल्याण, तो बोला चलो मैं लेके चलता हूँ। तो हम लोग कल्याण स्टेशन तक के पहुँचे, फिर हम लोग स्टेशन पहुँच के वहाँ बैठाया उसने मुझे, बाद में मुझे उसने कोल्ड ड्रिंक ला के पिलाया, तो मुझे वो पीने के बाद में मुझे एकदम बेसुध हो गए, मुझे बेचैनी बहुत होने लगी। तो मैं बोली भाई मुझे बेचैनी वगैरह हो रही है, तो उसने बोला कि हाँ भाभी मुझे दवा खाना लेके जा रहा हूँ। तो मुझे उसके बाद में
कुछ फ्यू मिनट्स के बाद मुझे बाद में होश आया तो मैं एक झोपड़े में थी, मेरा हाथ पैर पूरा बंधा हुआ था। तो मैंने उसको पूछी भाई ऐसा क्यों, तो उसने मुझे बोला कि मैं आपसे बहुत प्यार करता था, मुझे आपसे ऐसा ऐसा करना था। तो बाद में फिर मैं उसको समझाने लगी तो उसने मुझे मारा और बाद में फिर दो दिन तक के मुझे उसने ऐसा मारा था कि मैं एकदम अधमरी थी। तो दो दिन तक के उसने मेरे साथ में बलात्कार करता गया, तो मुझे ऐसा मैं बोली बोली फिर मुझे उसने ऐसा ऐसा सब मारा है। तो उसने फिर मुझे कुछ बोला नहीं, बाद में वो चला गया। बाद में फिर मुझे टाइम मिला तो वैसे मैं जैसे तैसा मैं बच बिच के उसके पास से मैं अपने हस्बैंड के पास में आई और मुझे मैंने अपने हस्बैंड को बोला, तो मुझे हस्बैंड मेरे हस्बैंड ने मुझे घाटकोपर पुलिस चौकी में लेके आए। वहाँ हम लोग ने कंप्लेन डाले, उन लोग ने बोले कि मेडिकल चेकअप लेकर, मेडिकल रिपोर्ट लेके आने के बावजूद भी उन लोग हम लोग की कंप्लेंट ले रहे, ना सुनवाई हो रही हो, सुनवाई कर ले रहे भी नहीं हो ना कंप्लेंट ले रहे। उन लोग बोलते होएगा तो केस दोनों पे होएगा, मुझे कैसा भी करके उसके ऊपर रेप केस और किडनैपिंग का केस डालना है। प्लीज़ मेरी सुनवाई आप मुंबई टीवी से होना मांगता। अच्छा, जैसे वो लेकर के गया फिर आप पुलिस से न्याय की मांग रख रहे हो, तो इस तरीके का पुलिस का ढीला रवैया है, तो आला अधिकारियों से क्या मांग करना चाहो? मुझे मांग करना कि बस उस पर केस हो गए कैसा भी करके। जैसे पुलिस स्टेशन आपकी सुन नहीं, पुलिस स्टेशन वाले नहीं सुन रहे हैं, अधिकारी उनसे क्या अपील करेगा? वही बस जो भी केस है उसके ऊपर वो केस फिट होना मांगता कैसा भी करके। मैं मेरे घर वाले बहुत परेशान हो रहे हैं इसमें, मेरी 3 दिन से हम लोग आ रहे हैं, हम लोग की सुनवाई नहीं हो रही है। आप मुंबई लाइव से आपकी सुनवाई हो बस। क्या हुआ था उस दिन और क्या पूरा हादसा पेश आया? मैं अब्दुल करीम शेख, समाजवादी तालुका अध्यक्ष। हमारे मुंबई अध्यक्ष अबू वसीम आजमी साहब ने हमको जो जवाबदारी दी है वो हिसाब से जो भी परेशान लोग या सुनवाई चौकी पर नहीं होती है उसके लिए हम लोग खड़े रहते हैं हमेशा, चाहे दवाखाना का मसला हो या चौकी का मसला हो, तो हम लोग उसके लिए खड़े रहते हैं। एक्चुअली घाटकोपर पुलिस स्टेशन में एक्चुअली रिश्तेदारी है हमारे, तो उसकी कंप्लेंट हुई नहीं है, उसको किडनैप करके रेप किया गया है। जब हम लोग उनके पास जाते हैं कि इनके ऊपर केस लो करके, तो यहाँ के ऑफिसर लोग बोलते हैं कि भाई दोनों पे केस होएगा क्योंकि वो साथ में गई है, तो ऐसा कैसा दोनों पे केस होएगा? फॉर एग्जांपल देता हूँ, कोई अगर पैसे की लालच देता है, घर देगा बोलता है, उसके साथ रेप करता है और लेडीज़ कंप्लेंट देती, तो उसकी कंप्लेंट ताबड़तोब ले लेते हैं लोग, वो बाद में सुनवाई है किसकी गलती है क्या, वो कोर्ट देखेगी। लेकिन अभी मसला ये हो गया है कि लड़की की सुनवाई नहीं हुई। आज सुबह में हम लोग ने ACP और सीनियर साहब को लेटर डिस्पैच किए है। हम लोग ये चाहते कि वो लड़का है, क्रिमिनल लड़का है, उसका बैकग्राउंड भी ख़राब है, उसका नाम समीर शेख है। और दूसरी बात, उसका 8 दिन पहला, रमज़ान से 2 दिन पहला कुछ रॉबरी का केस यहाँ पे आया है, एविडेंस है हमारे पास, तो वो एक्चुअली कुछ मोबाइल चोरी किया था और मंगलसूत्र चोरी किया था। सामने वाली पार्टी ने उसको पकड़ी, चौकी लाई, उससे वो चीज़ बरामद कर ली गया, लेकिन उसकी FIR लिए नहीं सामने वाले के, उसको चाय पानी लेके छोड़ दिया गया। लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि ठीक है, आज वो घूम रहा फिर रहा है बिना किसी डर से, आज हमारा क्राइम इतना बढ़ते जा रहा है, मैं चाहता हूँ कि हम लोग DCP कमिश्नर ऑफिस एडिशनल CP को भी लेटर दिए, हम लोग चाहते हैं कि उसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई होए और उसके ऊपर किडनैपिंग और रेप का केस दर्ज हो। बस यही आप लोग से चाहता हूँ कि मुंबई लाइव मीडिया के थ्रू मैं ये चाहता हूँ कि वो जल्द से जल्द सुनवाई होए उनकी। अच्छा, जिस तरीके से घाट के ऊपर पुलिस का रवैया है, हमेशा ही कंप्लेनर को इनकार कर भगा दिया जाता है, और इस तरीके का रवैये को लेकर के आला अधिकारियों से क्या न्याय की अपेक्षा रख? आला अधिकारियों से मिला मैं, उन लोग को बताया है, लेकिन कैसा है, वो लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे, तुम लोग मेडिकल रिपोर्ट लाओ, फिर हम पूछताछ करेंगे, लेकिन वो लड़की आज 3 दिन से इंसाफ के लिए गुहार लगा रही है। हमने सबसे मिले, PI से मिले, सबसे मिले, लेकिन कैसा है, उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। अभी हम लोग चाहते हैं कि उससे जल्द से जल्द सुनवाई हो आपके न्यूज़ के माध्यम से। ऐसी तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई TV। मैं अब जल्द से फिर हाजिर हूँ एक नई न्यूज़ के साथ।